दोस्तों, 2-2.5 साल बाद जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मैं बहुत खुश था, लेकिन अब नहीं। मैंने क्या क्या अपने चैनल पर गलती किया है जो आपको कभी नहीं करना है, जिसके कारण मेरा चैनल जो है फ्रीज हो गया है। आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करना जो गलती मैंने किया है। तो दोस्तों, 2-2.5 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि मिक्स कंटेंट के कारण भी चैनल फ्रीज हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं 2-2.5 साल पहले से ही मिक्स कंटेंट डाल रहा हूँ और कुछ वीडियो जो है 98,000 चला है, तो कुछ 7,000, कुछ 15,000, कुछ 14,000, कुछ 12,000, मतलब वो वीडियो चला है। लेकिन ये जो चैनल है ये फ्रीज हो गया। आपको कैसे पता करना है कि आपका चैनल फ्रीज हो गया है? दोस्तों, जब YouTube रीच भेजना बंद कर दे, आपकी वीडियो पर व्यूज ना आए, तो कहीं ना कहीं आपका जो चैनल है फ्रीज हो गया, मतलब डेड हो चुका है। तो कुछ गलती मैंने भी किया है कि मिक्स कंटेंट डाला है। मिक्स कंटेंट से क्या होता है कि YouTube रीच भेजना बंद कर देता है। जब YouTube रीच भेजना बंद कर देता है तो वीडियो का जो CTR होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। जब वीडियो का CTR डाउन होता है तो वीडियो पर व्यूज बिल्कुल नहीं आता है। आप कितना भी अच्छा टाइटल, कितना भी अच्छा डिस्क्रिप्शन और टैग और वीडियो बना लो और थंबनेल बना लो, लेकिन YouTube रीच नहीं भेजेगा। जब YouTube रीच नहीं भेजेगा तो आप कितना भी मेहनत कर लो, सालों साल मेहनत करो अपने चैनल पर, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो चैनल है वो मिक्स कंटेंट के कारण YouTube रीच भेजना बंद कर देता है। मिक्स कंटेंट के कारण ही कई लोगों का ना साल बीत जाता है, चैनल ग्रोथ नहीं होता है। कुछ गलती मैंने भी किया 2 साल पहले। तो दोस्तों, ये जो इंडियन ब्लॉग चैनल है, ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है और गूगल एडसेंस पिन भी आ चुका है और मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई भी कर लिया है और बैंक डिटेल भी गूगल एडसेंस अकाउंट में मैंने जोड़ लिया है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया है कि इस पे मैंने मिक्स कंटेंट डाला है। ये इंडियन ब्लॉग चैनल है, लेकिन कभी मैं इग्नू पर वीडियो बनाया हूँ, कभी मैं कंपनी पर वीडियो बनाया हूँ, तो कभी मैंने ब्लॉग बनाया हूँ, तो कभी कुछ ना कुछ मिक्स कंटेंट इस पे डाल दिया हूँ। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है, जिससे क्या होगा, आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करना है। और दोस्तों, जब आपका चैनल फ्रीज होता है ना, तो वो पता कैसे करे? YouTube रीच भेजना जब बंद कर देना, आप कितना भी अच्छा वीडियो डालो, कितना भी अच्छा बना के थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ लगा के डालो, लेकिन YouTube जो है रीच भेजना बंद कर देता है, मतलब आपकी वीडियो आपके सब्सक्राइबर के पास भी नहीं पहुंचाएगा। मान लीजिए कि किसी का क्या होता है कि 1500 सब्सक्राइबर होते, उसका 5, 7, 10, 12 व्यूज आ रहे, 20 व्यूज के अंदर अंदर, मतलब तो इसके कारण भी आपका चैनल फ्रीज है। मतलब आपका 1500 आपके सब्सक्राइबर हैं और 10-12 व्यूज आ रहा, तब भी आपका चैनल फ्रीज है। और किसी का 10,000 सब्सक्राइबर हैं और उस पर 300-400 व्यूज आ रहा है, तब भी वो चैनल फ्रीज है, मतलब डेड होने वाला है। तो दोस्तों, फ्रीज चैनल को ग्रोथ कैसे करते हैं? मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। अब जो ये इंडियन ब्लॉग चैनल है ना, इस पर मैं अब यूट्यूब से जुड़ी जानकारी दूंगा और एक जैसा ही कंटेंट रखूँगा मैं। अगर इनमें से कोई वीडियो वायरल होता है, जो सब्सक्राइबर आएंगे वो एक्टिव सब्सक्राइबर आएंगे, और जो मेरे 1400-1500 सब्सक्राइबर हैं वो मिक्स कंटेंट वाले सब्सक्राइबर है। तो कुछ लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि वीडियो का जो CTR है वो डाउन हो जाता है, और डाउन होने के कारण जो है व्यूज नहीं आता है। तो दोस्तों, एक रियल टाइम होता है, रियल टाइम में 48 घंटे में एक व्यूज दिखाता है। मान लीजिए कि 48 घंटे में आपका 1500 से प्लस आ रहा है या 1000 से प्लस आ रहा है, तो आपका चैनल फ्रीज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कंटेंट में आप मिक्स कंटेंट के कारण जो है यूट्यूब रीच नहीं भेज रहा है, मतलब आपका चैनल फ्रीज नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है। आप मिक्स कंटेंट डाल रहे हो, इसके कारण जो है यूट्यूब रीच नहीं भेज रहा है।
अगर आपका चैनल रियल टाइम पर अगर आपके 48 घंटे में व्यूज 1000 से नीचे आ रहे हैं, 400-500, तो आपका चैनल डेड, मतलब फ्रीज हो चुका है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि चैनल फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ। और ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है और पहले मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या क्या गलती किया है। अब जैसे जैसे मुझे नॉलेज हुआ तब पता चला कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मिक्स कंटेंट डाला है। तो यही गलती मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। देखिए दोस्तों, ये गलती आपको कभी नहीं करना, मिक्स कंटेंट वाला आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा ना, डॉलर भी बनेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मानता हूँ शुरुआत में आरपीएम बहुत कम होता है, 1000 व्यूज पे आरपीएम बहुत कम होता है। मतलब जब तक 1000, मतलब 3-4-5 हज़ार जब तक आपके व्यूज नहीं आएंगे ना, जब तक $1 नहीं बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होता है। लेकिन आपको डेड चैनल नहीं करना है, फ्री चैनल नहीं करना है, मिक्स कंटेंट नहीं डालना है, नहीं तो मेरी तरह क्या हुआ कि आपका कई साल बर्बाद हो जाएंगे और मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब इस चैनल पर मैं YouTube से जुड़ी जानकारी दूंगा और ब्लॉग के लिए मैं एक नया चैनल बनाऊंगा, अलग से एक बनाऊंगा। और ये जो इंडियन ब्लॉग है ये नाम सेम रहेगा, लेकिन इस पर कंटेंट जाएगा, YouTube से जुड़ी जानकारी होगा। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।